सवाल ये है कि हम कब हमारी भावनाओं को इतना हाथ होने लगा कि हम किसी पे केस करवाने तक के लिए तैयार हैं और गिरफ्तार करने के लिए तैयार हैं। 140 करोड़ की आबादी है, उसमें 140 करोड़ लोगों की 140 करोड़ भावनाएं हो सकती हैं। उन 140 करोड़ लोग में अलग अलग चीज़ों से अलग अलग लोग भावनाओं से आहत हो सकते हैं। उसमें अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग हैं, दलित समुदाय हैं, गाँव में उनको अलग अलग चीज़ों से प्रताड़ित किया जाता है, खेतों में प्रताड़ित किया जाता है, उनको अलग अलग शब्द इस्तेमाल करके, जो जाति सूचक शब्द है वो इस्तेमाल करके उनकी भावनाओं को आहत किया जाता है। बिल्कुल हो सकने की आज़ादी नहीं है, वो घोड़ी पर नहीं चढ़ सकता, उसकी भावना भी तो आहत होती है। तो इस भावना को जैसे मैं राजस्थान में मैंने बहुत सारे केसेस सुने, मैं या हरियाणा में मैंने बहुत सारे केसेस सुने, यूपी में मैंने बहुत सारे केसेस सुने कि दलितों को मूछ रखने के लिए मार दिया गया, दलितों को शादी में घोड़ा चढ़ने के लिए मार दिया गया। मेरी भावना आहत हुई तो मैं केस करवाना चाहता हूँ वहाँ के मुख्यमंत्री के खिलाफ, योगी जी के खिलाफ केस होगा अगर मैं करवाना चाहूँ तो। अगर या कोई भी दलित अगर उठ के आए वो कहे कि मेरी हमको मूछ रखने से रोका गया, क्यों रोका गया, मेरी भावना को आहत हुआ, ये बोलने का अधिकार। अरे भैया आप कुछ भी पहनिए यार, आप कुछ भी खाइए, आपको करने का अधिकार है ना, संविधान ने आपको अधिकार दिया। या तो आप कहिए कि संविधान हम नहीं मानते, सीधा सीधा ये कह दीजिए संविधान नहीं मानते, या तो संविधान में जब ये लिखा है कि बोलने का अधिकार है तो आप बोलने दीजिए। आप ही के आदमी जंतर मंतर पे तमाम तरह के एक धर्म विशेष के खिलाफ कमेंट करते रहते हैं, संविधान जला देते हैं। उसी संविधान के आप अलग अलग कानूनों को लेकर के आप किसी पे केस कर देते हैं, ये तो आपका दोगला चरित्र हुआ कि सेम संविधान को आप जला दे रहे हैं, सेम संविधान के आधार पे आप किसी व्यक्ति विशेष पे आप केस कर दे रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ये मुद्दा है, या बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको छुपाने के लिए मुद्दे गढ़े जा रहे हैं। मेरा तो मानना ये है कि मुद्दे छुपाए जा रहे हैं। एक प्रोफेसर को जेल भेजा गया है तो आम आदमी कैसे बोल पाएगा सरकार के खिलाफ या सिस्टम के खिलाफ? ये बहुत ज़रूरी आपने सवाल किया है कि प्रोफेसर एक बहुत बड़ा ओहदा माना जाता है, प्रोफेसर की बहुत देश समाज में रिस्पेक्ट होती है। जब हम कहते हैं कि आप फलाना आदमी लेक्चरर है या प्रोफेसर है कहीं पे, तो आप जो आम जनता के बीच में उनके प्रति जो इज्जत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है कि अरे ये प्रोफेसर हूँ। प्रोफेसर को अगर कुछ बोलने पे आप टारगेट कर रहे हैं, इसका मतलब अगर कोई आम आदमी बोल दे तो आप उसके साथ क्या करते होंगे, सवाल ये है। और मुद्दा ये है कि कितनी बार मीडिया चैनल्स में, मैं जानना चाहूँगा कोई भी जो न्यूज़ एंकर है, न्यूज़ रिपोर्टर है, कितना बार ये मुद्दा उन्होंने उठाया कि दलित जो है, दलित समाज आज भी 100-100 रुपये में गटर में घुसने के लिए मजबूर है, अपना जान देने के लिए मजबूर है। और एक ऐसे समय में जब हमारे पास मंगल से जा कर के खनिज लाने के लिए औजार है, हथियार है, मिसाइल है, हमारे पास तरह तरह के औजार है और हम 100 रुपये में जाने दे रहे हैं, ये क्या ये मुद्दा नहीं था? मुंडका में 30 लोग मर गए, इस केस में तो कोई मरा नहीं है अभी, 30 लोग मर गए, कितना मीडिया उसको कवर किया, ये तो सवाल तो बनना चाहिए ना। और उन मजदूरों को मुआवजा मिला कि नहीं मिला, उनके परिवार वालों को मुआवजा मिला कि नहीं मिला, वो जो मालिक था उस बिल्डिंग का, उस बिल्डिंग के मालिक पे केस हुआ कि अभी तक पता नहीं है कि पकड़ा गया है कि नहीं पकड़ा गया, क्या ये मुद्दा था? क्या 24 घंटे इसको चलाया जा सकता था, क्योंकि 30 लोगों की जान गई है, जान जाने के बाद जो उसके घर परिवार वालों का भावनाएं जो आहत हुई कि भाई हमारी जो भावनाएं हैं, मेरा किसी का माँ मरे, किसी के बाप मरे, किसी का भाई मरा, किसी का बेटा मरा, उनके परिवार वालों की भावनाएं आहत तो हुई होगी ना, और ये सुन के तो और ज़्यादा आहत हुई होगी कि यार इस पे तो कोई मीडिया कुछ बात ही नहीं कर रहा, गवर्नमेंट कुछ बात ही नहीं कर रहा। तो क्या उन सारे जो मरे हैं लोग, उनके परिवार वाले जो हैं, उन सारी भावनाओं को अगर कोई जा कर के केस करना चाहे MCD के मेयर के खिलाफ, और जिन्होंने बिल्डिंग बनाने के अलाउ किया उनके खिलाफ, और मुख्यमंत्री के खिलाफ केस दर्ज होगा। क्या आपको लगता है इस मामले में कुछ जल्दबाजी की गई सरकार द्वारा, पुलिस द्वारा? बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की गई, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, यही मुद्दा क्यों उठाने के लिए और अरेस्ट करवाने के लिए तैयार हो गए। और आप कह रहे हैं किसी वकील ने केस कर दिया,
मैं जानना चाहता हूँ उस वकील, वो वकील 10 लोग लेके आ जाए अपने समर्थन में रैंडमली, जो आरएसएस बीजेपी का नहीं होना चाहिए, जो ये कहें कि हाँ हमारी भावना आहत हुई है। अरे देश का जो बहुसंख्यक 80% जो आबादी है ना, मैं बताता हूँ आपको, 80% देश की आबादी है फेसबुक जो नहीं चलाती है। सीधा बात यह है, उनको वो रील देख करके और अपना खाना खाए, मजदूरी करेंगे 12 घंटा मजदूरी करेंगे, जा करके आराम करेंगे अपना, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 80% देश की आबादी रतन लाल को नहीं जानती होगी, छोड़िए 80% 90% आबादी रतन लाल जी को नहीं जानती होगी। क्या आपको भी लगता है कि दलित होने की वजह से उनको टारगेट किया गया है? ये है, आप स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं और क्यों करना चाह रहे हैं ये? आप ये सारे मुद्दे ला करके आप कुछ जो गहन मुद्दे हैं उसको कैसे छुपाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप हिंदू मुस्लिम करेंगे ना, तो जो हिंदू के जो पूंजीपति हैं ना, हिंदू के जो मालिक हैं, उनकी फैक्ट्री में जो मजदूरों का शोषण चल रहा है, तो ये दोनों का जो अंतर है ना वो गायब हो जाता है। आप खाली आप हिंदू हिंदू रहेंगे, हिंदू का फैक्ट्री का मालिक अंबानी अडानी, इनके फैक्ट्री में मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलता है, वो मुद्दा कैसे आएगा? आप जब हिंदू कहेंगे तो सब हिंदू हैं, अमीर गरीब का अंतर चला जाएगा। शिवराज सिंह चौहान के बेटे अमेरिका से LLM की डिग्री लेके आए हैं, वो भाषण में जो गरीबों के गरीब हिंदुओं के जो बच्चे हैं उनको तलवार और चाकू ले जाने के लिए घूमने के लिए बोलते हैं। वाह, अपना बच्चा अमेरिका से लॉ करे, गरीब का बच्चा यहाँ पर चाकू छुरा लेके घूमे, और उसके बाद क्या, मान लीजिए किसी केस में पकड़ा गया गरीब का बच्चा, छुड़ाने तक नहीं जाते हैं, ऐसे ऐसे केस आए हुए हैं। अमित शाह के बेटे BCCI के चेयरमैन हैं, और उनके पार्क में काम करने वाला चपरासी, उसका बच्चा सरकारी स्कूल में ठीक से नहीं पढ़ा, उनका पैखाना साफ करने वाला जो सरकारी स्कूल का बच्चा है वो, अरे हम खुद शाखा में रहे हैं, इनकी दोगली बोल होती है RSS की, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल और हिंदी अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाएंगे, गरीबों को गरीब हिंदुओं के बच्चों को कहेंगे कि तुम हिंदी पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, देश की संस्कृति पे विश्वास करो, अपना बच्चा विदेश में जा करके संस्कृति का बड़ा नाम रोशन करता है, हमें नहीं मालूम है क्या संस्कृति का नाम रोशन होता है। जो देवी देवता हैं वो तो कुत्ते की भी पूजा करते हैं, शेर की भी करते हैं, चूहे की भी करते हैं, वो गोबर तक पूजते हैं, ऐसे तो उनकी रोजाना भावना आहत होंगी इस तरह से तो। हाँ, तो जाहिर सी बात है, 140 करोड़ की आबादी वाला देश है और 33 करोड़ देवता है, वो अलग अलग लोग अलग अलग देवताओं को मानते हैं, कोई देवता किसी देवता को हो सकता है ना मानता हो, तो किसी देवता को बोल दे कि ठीक है हम तुम्हारे देवता को नहीं मानते, तो आपको उसके खिलाफ केस कर देंगे क्या? धार्मिक भावना आहत करने का है ही ना भैया, कोई शिव का भक्त है, कोई विष्णु जी का भक्त है, कोई कृष्ण जी का भक्त है, कोई हनुमान जी का भक्त है, कोई राम जी का भक्त है, कोई ये कहे कि भैया हम शिव जी को ही खाली मानते हैं, कोई ये कह दे हम खाली विष्णु जी को ही मानते हैं, तो जो बाकी धर्म कोई दूसरा आदमी किसी दूसरे भगवान को मानता है, अगर वो तीसरा उसको नहीं मानता है तो इसके खिलाफ क्या आप केस कर देंगे? ऐसे तो यार रोजाना हजारों लाखों लोगों की भावना आहत होती होगी, तो मेरी भी भावना कई बार आहत होती है, जैसे मेरी भावना आहत हुई लॉकडाउन के दौरान, लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे मजदूर मरे, कोरोना से मरे लोग, ये तो सबने देखा, गंगा यूपी में बिहार में अलग अलग गंगा नदी घाटी पे आपने देखा कि लाशें तैर रही थी, हॉस्पिटल में इलाज ना मिलने के कारण लोग मरे। ठीक है, देश के जो हेल्थ मिनिस्टर थे उन्होंने आके पार्लियामेंट में शर्मनाक बयान दिया कि कोरोना से मौत का हमारे पास कोई डाटा नहीं है ना, यानी कि कोई मौत नहीं हुई है, मेरी आहत भावना आहत हुई, और साथ साथ जो लोग मरे थे उन सारे परिवार वालों की भावना भी आहत हुई होगी कि यार इतने लोग हमारे घर परिवार हमारे माँ बाप मर गए और शर्मनाक बयान दे रहे हैं कि कोई मरा नहीं है, भावना आहत तो हुई होगी, तो केस करना चाहे कोई हेल्थ मिनिस्ट्री के खिलाफ, हेल्थ मिनिस्टर के खिलाफ कोई केस करना चाहे क्या उसको कोई वकील दिया जाएगा? इनफैक्ट कोई प्रधानमंत्री के खिलाफ इस वजह से केस, युवा मेरा एक दोस्त है वो, उसने ये कहा था कि जब रोजगार मांग रहे थे सारे युवा उस दौरान, एक प्रधानमंत्री रोजगार दे नहीं पाए, तो उन्होंने एक बात कही कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है, तो बहुत सारे युवाओं का जो भावना है आहत हुआ, मेरे दोस्त का ही भावना आहत हुआ, क्या वो केस कर सकता है प्रधानमंत्री के खिलाफ भावना आहत करने का? कौन सी भावना है, किसकी भावना है? बहुत सारी भावनाएं हैं, धार्मिक भावनाएं हैं, तो धार्मिक भावनाएं तो यही धार्मिक भावनाएं क्यों है? धार्मिक भावनाएं तो और भी धर्मों की होंगी, धार्मिक भावना इस देश में खाली एक ही धर्म तो नहीं है ना,
और आप जिस संविधान के हिसाब से पूरा देश चला रहे हैं, इसी संविधान के हिसाब से देश चला रहे हैं ना, इसी संविधान के हिसाब से आपने केसेस लगाए हैं ना, और इसी संविधान को कोई जला रहा है। तो इस संविधान को मानने वाले बहुत सारे लोगों का धार्मिक भावना आहत हुआ। क्या आपने केस किया?